हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और उत्तर मुंबई जिला की कार्य सम्राट होने वाली खासदार उर्मिला मातंडकर जी आए और अपना वक्तव्य आपके सामने। मंच पर बैठे हुए आप सबके जाबाज और अजीज एमएलए असलम साहब और यहाँ पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस के और मनसे के सारे लोग, सारे पदाधिकारी और सबसे ऊपर राठौड़ी गांव के आप सारे रहवासी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार भरा दा। उर्मिला जी आगे बढ़ो, असलम भाई आगे बढ़ो। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों और मेरे साथियों, पिछले 5 बरस में देश में बहुत कुछ हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था वो सब भी हुआ है, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए उसको बाजू में रखते हैं। आज बात आपकी करते हैं, मेरी करते हैं, हमारे इस क्षेत्र की करते हैं और सिर्फ हमारे इस क्षेत्र की करेंगे। आप लोग बहुत लकी है कि आपके पास असलम भाई जैसे एमएलए हैं और इस वजह से आपको वो सारी चीजें उस हद तक नहीं महसूस हुई है जिस हद तक होनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पीछे आपकी सारी सुविधाओं के लिए, आपकी मदद करने के लिए वो हर दम तैयार रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके इन 5 बरसों में कोई भी दखल देने के लिए यहाँ पर कोई भी आया? क्या इन लोगों के लिए राठौड़ी गांव का कोई भी महत्व था? लेकिन ये मैंने देखा है, जो 2 हफ्ते में हर एक गली कूचे में उत्तर मुंबई के घूमी हूँ मैं, सबसे बड़ी चीज जो मैं दिल्ली तक कह सकती हूँ, जो मैं कहीं भी कह सकती हूँ कि मेरे इस क्षेत्र के लोग बहुत गरीब है, लेकिन उसका सीना, उनका दिल सबसे ज्यादा बड़ा है। अपने आप के लिए तालियां बजाइए। लेकिन अब जो मैं बात कह रही हूँ उसे बराबर से सुनिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी बहन बनकर ये बात आपको कह रही हूँ। कोई स्टार वार नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक ही स्टार होता है लोकतंत्र में, और वो आप में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो है। आप में से हर एक वो बहन है वो है, आप में से हर एक वो भाई है वो है, क्योंकि आपके पास वो ताकत है जो आपका आज और आपका कल बदल सकती है।